हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टडी 333। दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था और क्लासरूम में भी ये कह रहे थे कि सर मैप कैसे भरना है वो हमें समझ में नहीं आता, हमें बता दीजिए कि ये पेपर में मैप, हम मैप का कार्य, मानचित्र का कार्य कैसे करेंगे। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम आप मैप के क्वेश्चंस को, मानचित्र के कार्य को कैसे हल करेंगे पेपर में, किस प्रकार से। बहुत लोग रहते हैं, उनको प्रश्न भी आता है कि मान लीजिए पूछ लिया भारत में सबसे अधिक वन कहाँ है, आपको आ भी रहा है और आपको पता है मध्य प्रदेश में, मगर आपने सही तरीके से अपने मैप में लगाया नहीं, इसलिए वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, आपको आते हुए भी गलत हो जाता है। तो आप आते हुए गलत ना करें, तो इसलिए आज हम आपके सामने जो भी आपके डाउट है उसको सॉल्व करेंगे। और अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, फिर उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे। ठीक, किसी भी तरीके का आपका मन में सोशल साइंस से लेकर डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी डाउट हो आप बिल्कुल बिना झिझक कमेंट कीजिए, आपके डाउट को जो है सॉल्व किया जाएगा। ठीक, जैसे ये ऐसे जो मैप देगा आपको, बिल्कुल ऐसे सादा सादा मैप देगा, उसमें ये नहीं दिया रहेगा कि उत्तर प्रदेश कहाँ है, बिहार कहाँ है, या कश्मीर कहाँ है, पंजाब कहाँ है, कुछ आपको दिया नहीं रहेगा। केवल आपको भारत का नक्शा ऐसे पूरा दे देगा, भारत का पूरा ऐसे मैप दे देगा और आपको इसी में जो है वो टिक करना रहेगा। अब जैसे उसने मान लीजिए यहाँ पे कह दिया कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ रहती है। अब मान लीजिए ये प्रश्न नंबर 15 है, 15 में खंड 1, 2, 3 ऐसे तीन प्रश्न पूछ लिया, इसमें कह दिया कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ रहती है। ठीक, तो आपको पता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ रहती है। उसने कहा कि जिसे प्रश्न नंबर 15 में उसने कह दिया कि निम्नलिखित को इस प्रकार के जो है वो चिन्ह से दर्शाइए, मानचित्र में इस प्रकार के चिन्ह से दर्शाइए। तो जिस प्रकार का चिन्ह प्रश्न में कहा रहेगा उसी प्रकार के चिन्ह से आपको दर्शाना है। जैसे उसने कहा कि निम्नलिखित यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, सभी को आपको इसी चिन्ह से दर्शाना है। कौन से चिन्ह से, ये देखिए इसने चिन्ह दे दिया। ठीक, इसने कह दिया कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ रहती है। तो आपको पता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है, आपको इतना पता है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है। अब आप इस मैप में पूरा देखिए कि मैप में आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश इसमें कहाँ पड़ता है। तो भाई जो लोग मैप पढ़े रहेंगे उनको इसलिए आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए पूरा कि उत्तर प्रदेश कहाँ है, बिहार कहाँ है। तो देखिए उत्तर प्रदेश हमारे यहाँ पड़ता है, यहाँ। ठीक, और इसमें कहा क्या है कि इस प्रकार के चिन्ह से दर्शाना है। तो ऐसे आप लगाएंगे, यही वाला चिन्ह यहाँ लिखेंगे, फिर ऐसे करेंगे। अब ये 15 क्वेश्चन का है ना, प्रश्न नंबर 15 का खंड का ऐसे आपको उत्तर लिखना है। ठीक, ये प्रश्न नंबर 15 का, अगर आपने केवल 15 लिख दिया, प्रश्न नंबर 15 का पहला वाला है कि दूसरा वाला है, तीसरा, आगे लिखेंगे आप उत्तर प्रदेश। ठीक, तब आपका ये पूरा क्वेश्चन, तब आपको पूरा पूरा एक नंबर मिलेगा। ठीक, अन्यथा जो है आपका परीक्षक जो कॉपी आपकी जांचेगा वो गलत कर देगा। जिस प्रकार के चिन्ह से कहा रहेगा उसी प्रकार के चिन्ह से आपको दर्शाना है। 15 का प्रश्न नंबर 1 है तो आप 15 का ऐसे लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, दूसरा है तो दूसरा लिखेंगे। अब मान लीजिए उसने कह दिया कि भारत में सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, भारत में सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उसे इस प्रकार के चिन्ह से दर्शाइए। जिस प्रकार का प्रश्न में चिन्ह पूछा रहेगा, या तो आपसे ये पूरा पहले में कह देगा, मान लीजिए प्रश्न नंबर 15 का इसमें कह दिया कि निम्नलिखित को इस चिन्ह से दर्शाना है तो सभी को इस चिन्ह से दर्शाना है, या वो खुद कह देगा कि अब ये मान लीजिए प्रश्न नंबर 16 है, इसमें केवल ये कहा है कि मानचित्र को मानचित्र में दर्शाइए। अब इसमें इसने पहला कहा 16 में, भारत में सबसे अधिक काली मृदा कहाँ पाई जाती है, इस प्रकार के चिन्ह से दर्शाइए, ये वाला चिन्ह दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए भारत में सबसे अधिक काली मृदा कहाँ पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक काली मृदा पाई जाती है गुजरात में, गुजरात यहाँ है, ये देखिए गुजरात है। आपको पता होना चाहिए कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट कहाँ पड़ता है। भारत में सबसे अधिक काली मृदा कहाँ पाई जाती है, अब देखना है आपको, आपको पता चलेगा कि भारत में सबसे अधिक काली मृदा गुजरात में पाई जाती है। बट आपको यहाँ पे देखना है कि किस प्रकार से चिन्ह कहा है, जिस प्रकार का चिन्ह उसमें प्रश्न में कहा रहेगा उसी प्रकार के चिन्ह से आपको दर्शाना है। तो आप ऐसे लिख देंगे, ऐसे इसी प्रकार के चिन्ह से कहा है ना, फिर यहाँ पे तीर लगाएंगे, प्रश्न नंबर 16 का पहला और यहाँ लिखिए गुजरात। ठीक, भारत में सबसे अधिक
काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। अब मान लीजिए इसमें दूसरा प्रश्न ये पूछ लिया, भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? उसने ऐसे कह दिया, इस प्रकार के चिन्ह से दर्शाइए। तो जो चिन्ह आपसे प्रश्न में कहा रहेगा उसी प्रकार के चिन्ह से आपको दर्शाना है, ठीक। अब आपको पता है कि भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, एमपी में। एमपी यहां पड़ता है बिल्कुल बीचों बीच में, तभी तो इसका नाम एमपी है, ठीक। तो एमपी में हो गया, तो यहाँ पे आप इसी प्रकार के ऐसे करेंगे, जिस प्रकार से चिन्ह आपको दिया रहेगा उसी प्रकार के चिन्ह से आपको दर्शा देना है। फिर यहाँ लिख देंगे 16 का प्रश्न नंबर 2 है, ठीक, मध्य प्रदेश, ठीक। तो आपको ये ध्यान देना है कि प्रश्न में किस प्रकार के चिन्ह से कहा है दर्शाने के लिए, उसी प्रकार के चिन्ह से दर्शाएंगे, ठीक। अब वो अगर ये पूछ लिया, मान लीजिए भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो आपको पता है भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पड़ता है? भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। इसका अरुणाचल प्रदेश का नाम क्यों है अरुणाचल प्रदेश? अरुण में से क्या होता है? अरुण, अरुण में से होता है सूर्य की रोशनी, और आंचल क्योंकि भारत में सबसे पहले सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरण अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, इसके आंचल में पड़ती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य की रोशनी अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, इसी कारण से इसका नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुण सबसे पहले इसी के आंचल में पड़ती है, इसलिए इसका नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। इसका नाम मध्य प्रदेश क्यों? क्योंकि बीच में। इसका नाम उत्तर प्रदेश क्यों? क्योंकि जो है वो उत्तर में है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पड़ता है, इसका नाम हिमाचल प्रदेश क्यों? क्योंकि हिम माने क्या होता है? बर्फ। इसके आंचल में सारा जो है बर्फ ही बर्फ जमा हुआ है, ठीक। ऐसे जो है वो नाम रखे जाते हैं, ठीक। अब आपसे पूछ ले कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब में। तो अब मान लीजिए कहा कि इस ऐसे चिन्ह थे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो जिस प्रकार का चिन्ह रहेगा उसी प्रकार के चिन्ह से आपको दर्शाना है। मानचित्र में सबसे पहले आपको देखना है प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 15 है, 16, 17, 18 कौन सा प्रश्न नंबर है, इसका खंड देखना है, खंड 1 के। और मेन जो आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से चिन्ह से दर्शाना है, कहीं उसने प्रश्न में ही तो नहीं कह दिया है, कहीं उसने अलग अलग तो नहीं कहा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।